Namaste. The freedom we know today is not a result of a single day fight. There were many known and unknown martyrs. This tribute is for those martyrs who laid the foundation of our independent India. A monopoly, Quaish. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! It is at the beginning of our freedom struggle, the first bomb blast ever which disturbed the British Empire a lot. This is the story of the first victim of British arrogance, Khudiram Bose, an 18-year-old boy born in a small village of Mithilapur of Bengal. At the age of 6 itself, he lost his parents. His married sister looked after him just as her son. Apart from all her love and care towards Khudiram, he turned to be a great patriot. He had one and only dream, the freedom of his motherland. British Empire put out the 18-year-old fire forever. He was hanged to death on 11th August of 1908. Come, let's go to the last night with Khudiram in Alport Central Jail. Vande Mataram! Jai Hind! ओ दीदी, चिट्ठी लिखना इतना मुश्किल क्यों है? तुम सब कैसे दो तीन पन्ने लिख लेते हो? मुझसे तो एक कलम भी नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो दीदी, मेरे पास अभी भी बहुत समय है, पूरा एक रात। देखना, एक पन्ना तो लिख ही लूंगा। हाँ, एक पन्ना तो लिख ही लूंगा। लेकिन दीदी, चिट्ठी तुम कैसे पढ़ोगे? पढ़ने जाए तो आंसू? नहीं नहीं दीदी, तुम ना उस दिनेश चाचा को दे देना, उनका चश्मा आंसू से पढ़ना भीगने नहीं देगा। मुझे मालूम है दीदी, तुम ना हर रोज मेरे लिए रोते हैं और कल तुम पूरा दिन रोएगा। लेकिन दीदी, कल के बाद तुम देखना दीदी, 1,210,000 खुदीराम तुम्हारे है ना, अपने आप बन जाएगा, तब तुम मेरे जैसे हंसोगे। यहाँ ना शोर से बात करना मना है। आह 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 आह, दो दिन पहले मुझे बहुत मारा था, मालूम है क्यों? जोर से वंदे मातरम बोला था ना, इसलिए। आह आह, दीदी दर्द है दीदी। लेकिन दीदी, एक खुदीराम की वंदे मातरम बोलने से इनका इतना तकलीफ, कल से जब हजारों लाखों खुदीराम एक साथ चिल्ला के बोलेगा वंदे मातरम, तब ये लाल बंदरों का क्या होगा? आज सुबह एक लाल साहेब आया था, बोल रहा था, खुदीराम तुमका मालूम है कल तुम्हारा पास ही होगा। मैंने बोला, अगर पूरी दुनिया को मालूम होगा तो मुझको क्यों नहीं पता होगा? फिर उसने कहा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो बताओ। मैंने बोला, मेरे बस एक ही इच्छा है, इन सबको मार के इस देश से भगाना है। मैंने सोचा, अरे फिर से पिटाई होगी। लेकिन दीदी, वो साहेब अच्छा था, उसने हंस के बोला, और कुछ? मैंने ना उनसे कागज कलम मांग ली। साहेब ने कहा, ये चिट्ठी वो तुम तक पहुंचा देगा। मालूम है दीदी, आखिर में वो भी रो रहा था। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं रो रहा हूँ, आप में कुछ चला गया। दीदी, मैंने ना साहब से एक और चीज भी मांगी, वो ना सुबह विदे लेने से पहले मुझे जोर से वंदे मातरम बोलना है। वो ना सोचने पड़ गया था, फिर धूम दबा के भाग गया वो,
डरा हुआ था दीदी, डरा हुआ था। डर बेटा डर, इतना डर कि मौत भी उसके सामने चोटी पर जाए। आज जेलर साहब भी मिलने आए थे। ये क्या दीदी, मुझे मालूम पड़ा कि तुम रोज मेरे लिए खाना बना के भेजते हो। तुमको मालूम है वो लोग फेंक देते हैं। क्या दीदी। अरे अरे, मेरा समय निकलते जा रहा है। अरे ओ खुदीरा, तुम्हारा दीदी तुम्हारे लिए खाना भेजा। हेलो। क्या दीदी ने खाना भेजा है? पराठा, हलवा, घी, हाँ, एक दो तीन सात पराठे। दीदी अब मैं दो रोटी खाता हूँ। तुमको मालूम है तुम तो रोटी बनाते थे और बोलते थे पांच हो गया खुदी और नहीं मोटा हो जाएगा। मैं कहता था ज्यादा नहीं खाएगी तो ताकत कहाँ से आएगी, इस लाल बंदरों को कैसे उठा के फेंकूंगा। लेकिन दीदी अभी मैं सात पराठे नहीं खा पाऊंगा, मुझे ना थोड़ा घूम के आने दो, फिर सात नहीं पूरा दस पराठे बना के देना, अपने पास बिठा के मुझे खिला देना। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है दीदी, पता है अभी मुझे 3 बजे नहाने भी जाना है, फिर नया कपड़े पहनकर नहीं 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 शादी में नहीं घूमने जाना है। तुम बोलोगी दीदी मुझे भी लेके चले? नहीं नहीं दीदी, वहाँ सबको जाना मना है, सिर्फ कुछ किस्मत वाले लोग ही जा सकते हैं। अरे दीदी तुम रो क्यों रहे हो, मैं थोड़ी ना जिंदगी भर के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही दिनों में भी वापस आ जाऊंगा, कुछ ही दिनों में ही वापस आ जाऊंगा। माँ मुझे कुछ दिनों के लिए छोड़ दो माँ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। माँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दो माँ, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ।